बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ अबू धाबी अल शफा में। ये एक बेसिकली अगर आप देखें तो ये एक फूड स्ट्रीट है। यहाँ पे एक कॉर्नर पे एरिया बनाया गया है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी पे आके कुछ भी बाय कर सकते हैं और खा सकते हैं। तो मेरा यहाँ से गुजरना हुआ क्योंकि मुझे भूख लगी थी, तो मैंने कहा कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। नाश्ता करने आए थे और यहाँ पे आके मेरी मुलाकात हुई है एक बाइक राइडर से, और उनसे आज हमारा जो है वो इंटरव्यू है। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि बाइक राइडर की जॉब कैसी है और बाकी इसमें कुछ कमाई है कि नहीं है, और क्या कमाई है, और मंथली बंदा कितना कमा लेता है, और एज लिमिट क्या होनी चाहिए बाइक राइडर के लिए। तो चलते हैं और पूरा ब्लॉग देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, आप कैसे हो? ठीक हो? बिल्कुल भाई। सबसे पहले तो आप ये बताएं आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनसिफ अली है। मुनसिफ अली भाई, आप कहाँ से हो? मैं सवाबी से, पाकिस्तान से। पाकिस्तान सवाबी से हो मेरे भाई। आप ये बताओ कि आप तालाबाद में कब से काम कर रहे हो? मैं तालाबाद से 5 महीने से काम कर रहा हूँ। 5 महीने हुए हैं आपको अब यानी कि आप अभी नए ही इसमें आए हो तालाबाद में। तो कैसा एक्सपीरियंस है आपका तालाबाद में? आप क्या कहते हैं इसके बारे में, और जो दोस्त सुन रहे हैं हमारे उनको क्या बोलेंगे कि बाइक राइडिंग जॉब में वो आना चाहिए या ना ही आना चाहिए? आप क्या कहते हैं? वो आना चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारा काम है। अच्छा, वो बाइक भी कंपनी देता है, न्यू बाइक। अच्छा, तो माशाल्लाह जैसे ये बाइक है, ये कंपनी ने आपको दी है, नई बाइक है? जी सर, ये नया बाइक है। अच्छा, तो ये बताएं कि बाइक जो है आपकी, लाइसेंस आपका है, पुराना है या अभी लिया आपने? लाइसेंस वो नया है, बस वो जब तो स्कूल से मिलता है उसी टाइम ड्यूटी मिलता है उसमें। अच्छा, तो इधर आप कितना कमा लेते हैं महीने के हिसाब से? महीने बस 12 घंटे ड्यूटी करेगा, 20 ट्रिप लगाएगा, 18 ट्रिप लगाएगा, तो 4000 तक पहुँच जाए। 4000 तक आप कमा रहे हैं। देखें दोस्तों, आप सुन रहे हैं कि ये अभी नए हैं, रिसेंटली उनको 5 महीने हुए हैं और ये कमा रहे हैं अभी तक 4000-4500। तो दोस्तों, जैसे आपने सुना कि भाई बता रहे हैं कि ये अभी रिसेंटली नए इन्होंने ज्वाइन किया है, इनको 5 महीने हुए हैं और ये 4000-4500 तक, 4000-4500 का आप टारगेट कर लेते हैं? तकरीबन 4000 का कर लेते हैं। तो नॉट बैड, मतलब नए बंदे के लिए भी इतना भी कमाना बहुत अच्छी बात है। तो ये जो फ़ाइन वगैरह के बारे में बोल रहे हैं लोग कि फ़ाइन होता है, तो अगर आप फ़ाइन करते हो तो वो आपकी जेब से जाएगा या कंपनी पे करेगी? वो जब वो मोटरसाइकिल रोड पे ख़राब होता है या वैसे ही कुछ प्रॉब्लम आता है, मैकेनिकल इशू, तो वो तो कंपनी देगी, कंपनी देता है। बाकी कैमरा मारेगा तो 260 फाइन जो भी होगा वो ड्राइवर देगा, 260। अच्छा, तो आप क्या कहते हैं जो नए लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, बाइक राइडिंग जॉब में आना चाहते हैं, क्या उनको आना चाहिए? हाँ जी, आना चाहिए, इसमें बहुत सारा काम मिलता है। ठीक है, अच्छा, इसमें तालीम आपकी कितनी है? आपकी तालीम मेरा 10th तक है। 10th तक, मतलब मैट्रिक किया हुआ है आपने? किया। तो दोस्तों, मैट्रिक इन्होंने किया हुआ है और माशाल्लाह ये देखें, ये 4000 कमा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी जो है ना वो जॉब है। अगर नए लोग जिनके पास बाइक का लाइसेंस है या नहीं भी है और वो आके यहाँ पे लाइसेंस अप्लाई करते हैं, लाइसेंस अप्लाई करके अगर वो बाइक राइडिंग की जॉब करते हैं तो स्टार्टिंग 4000 तक तो वो कमा सकते हैं। जी सर। आप अपनी टाइमिंग बताएं, सुबह आप किस टाइम जाते हैं, आपकी क्या शिफ्टें होती हैं, आप किस तरीके से पूरा वीक काम करते हैं या पूरा मंथ काम करते हैं? मैं 7 बजे शुरू करता हूँ, 7:15 पे। ठीक है, 7:15 पे ID ओपन करता हूँ, उसमें ऑर्डर आता है। ठीक है, बस 12 बजे नमाज के लिए आधा घंटा ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, नमाज पढ़ कर फिर रोटी खाते हैं, रोटी के बाद फिर शाम 8 बजे तक काम करते हैं। आप पूरा हफ्ता काम करते हो या बीच में 1-2 दिन की छुट्टी भी लेते हो? छुट्टी बस तुम्हारा मर्जी है, शिफ्ट नहीं डालो तो बस छुट्टी है तुम्हारा। अच्छा, शिफ्ट कंपनी डालती है आपकी? नहीं, तुम खुद डालेंगे। अच्छा, आप खुद, तुम्हारा ड्यूटी मर्जी है उस टाइम तुम ड्यूटी। आप ये जो करते हैं ये सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं? ये सॉफ्टवेयर। आप सॉफ्टवेयर दिखा सकते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है आपका ये? अच्छा, यहाँ धूप तेज हो रही है, इतना क्लियर ये सॉफ्टवेयर है, इसमें ऑर्डर आता है। ठीक है, डिलीवरी, ये शिफ्ट है। ठीक है, अवेलेबल शिफ्ट। ठीक है, नेट है थोड़ा स्लो यहाँ पे। अभी देखो 13 तारीख का मेरा 7:15 पे ड्यूटी स्टार्ट है और 22:45 पे बंद हो जाएगा। ये दो शिफ्ट है यहीं से, अलशमखा से। हाँ, अलशमखा से। बाकी 15 तारीख का तुम्हारा मर्जी है, अभी मैंने 7 टाइम पे डाला है। ठीक है, तो ये सब शिफ्ट आएगा, वो शिफ्ट तुम क्लिक करोगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये एक एप्लीकेशन के थ्रू जो है इनकी यहाँ से शिफ्ट स्टार्ट होती है
और ये अपनी मर्जी से शिफ्ट आगे पीछे कर सकते हैं। अपने मर्जी तो से। इसमें कोई रीज़न नहीं है आपको, आप अगर कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये समझ लें कि ये आपका अपना जैसा कारोबार है। अपने जैसा है, मतलब आपको ये नहीं है कि बॉस आज मेरी तबीयत खराब है, बॉस मुझे छुट्टी दो। तो भाई माशाल्लाह फिर तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि हम लोग जो जॉब करते हैं हमें तो एप्लीकेशन देनी होती है, फिर बॉस की मर्ज़ी होती है तो हमें छुट्टी मिलती है, वरना हमें छुट्टी नहीं मिलती। लेकिन आपका काम तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मुझे तो बाइक बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मैं खुद शौकीन हूँ बाइक चलाने का, और बाइक बहुत ही खूबसूरत है। तुम्हारा मर्जी है, बार्गेन में लेकर जाएगा, जो बाइक तुम्हारा पसंद है वही। अच्छा, ज़बरदस्त। तो दोस्तों टोटल बात यह है कि आज जो हमने डिस्कवर किया है, ये भाई से बात करके अच्छा लगा है। और अच्छा, सेफ्टी के लिए आप लोग क्या पहनते हैं, सेफ्टी जो गियर्स होते हैं? तो इधर बहुत फास्ट है, सेफ्टी वो लगाना पड़ता है, लेकिन अभी थोड़ा गर्मी स्टार्ट हुआ। हाँ, वो गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती होगी आप लोग। वाला बस वो नहीं मानते, लेकिन काला वाले शूज़ और ये सेफ्टी लाजिम मान रहे। अच्छा, शूज़ जो है वो आप नॉर्मल पहनते हैं या सेफ्टी शूज़ ही होते हैं? नॉर्मल पहनते हैं बस, काले ब्लैक का। ठीक है, और ये कंपनी की तरफ से हेलमेट होता है आपका? ये हेलमेट, ठीक है, हेलमेट तो लाजमी है। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और माशाल्लाह बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि डिलीवरी बॉय की जॉब, ये बाइक राइडर की जॉब, लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो आज का व्लॉग जो है वो टोटल उसी बात के ऊपर बनाया है। एक बात और है। जी जी, आप बोलिए। इसमें 21 साल से कम उम्र लड़के नहीं लेते हैं। अच्छा, तकरीबन। अच्छा दोस्तों, एक बात और बताई है भाई ने कि 21 साल से छोटी उम्र का जो आदमी है वो नहीं चाहिए इस फील्ड के अंदर, बाइक राइडिंग में। और इसमें कोई इससे एज मतलब ऊपर कितनी होनी चाहिए? जितना भी चाहिए, 60 तक भी चलता है। अच्छा, लेकिन 21 से ज्यादा कम नहीं लेते। 21 से कम नहीं होना चाहिए। खुद 4 महीना बैठा था, 21 पूरा नहीं हुआ था। अच्छा अच्छा, तो माशाल्लाह एक पॉइंट और पता चला कि आपकी एज कम से कम 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। तो माशाल्लाह ये थे हमारे भाई जो पाकिस्तान से हैं, स्वाबी की तरफ से। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।